Hey guys, welcome back to my channel. और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अलग सी वीडियो. और मैं आप लोगों को आज अपनी ड्रेसिंग टूर कराने वाली हूँ. और एक्चुअली यहाँ पे मीन्स मेरे ससुराल में जो ड्रेसिंग है उसका मैं आप लोगों को टूर कराने वाली हूँ. और मैं यहाँ रहती हूँ, ज्यादा उसमें कुछ सामान नहीं है. मैंने अभी आई उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें जो सामान था रखी हूँ, थोड़ा बहुत रखी हूँ, ज्यादा नहीं रखी हूँ. क्योंकि फिर रखना फिर निकालना ऐसे हो जाता है. तो मैं उसमें सामान को कैसे अरेंज करती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, कहाँ क्या रखती हूँ, तो वो मैं अभी दिखाती हूँ. मीन्स आज मैंने सेट किया है, कुछ सामान सेट किया हूँ, बाकी सारा मैंने नहीं किया है. क्योंकि फिर निकालना रखना सब कुछ हो जाएगा. तो आज मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ. थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बना देती हूँ. क्योंकि मैं वहां रहती हूँ, मेरे पास वहां पे ड्रेसिंग नहीं है, यहाँ पे है. तो मैं सोची कि चलो मैं बना देती हूँ इसका टूर और आप लोग से शेयर करती हूँ. तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड. तो कुछ इस तरीके से है मेरा ड्रेसिंग, जिसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. और ये जो ड्रेसिंग की डिज़ाइन है वो मेरे बेड से बिल्कुल मैच करती है. और यहाँ मैं मिरर में सामने मैं दिख रही हूँ जो वीडियो शूट कर रही हूँ. और इसकी ऊपर की जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल मेरे बेड से मैच करती है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम सेम वैसा ही है. और नीचे में कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा गंदा भी हो गया है. और वो उसको मैंने साफ़ किया बट वो निकल नहीं रहा है. एक्चुअली वहाँ पानी गिर गया था तो उसी वजह से दाग पकड़ लिए. और इस साइड में मैंने एक छोटा सा ग्लोब रखा है. और ये है एक अच्छा सा सो पीस जो बहुत ही प्यारा लगता है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है. और मैं हमेशा चेंज करते रहती हूँ यहाँ के फ्लावर वगैरह. और यहाँ पे ये ऊपर की जो डिज़ाइनिंग है, ये बीच में जो दिया हुआ है, ये भी मेरे बेड में है ऐसे. और उसके बाद मिरर के साइड में ये जो डिज़ाइनिंग दिया हुआ है, तार तार सा कुछ बना हुआ है, ये भी ये मेरे सोफे से मैच करता है. एक्चुअली सोफ़ा और बेड और ड्रेसिंग मैच सेम सेम है, थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग है. और उसके बाद मिरर की हाइट जो है इस तरीके से. और दोनों साइड में ऐसे बॉक्स बने हुए हैं. और ऐसे ये इधर का बॉक्स है और दूसरी साइड में भी सेम इसी टाइप का बॉक्स है. तो मैं इधर के बॉक्स को ओपन करती हूँ. तो उस इस तरीके से मैंने कुछ सामान को ऑर्गेनाइज़ किया है. यहाँ पे मम्मी की बिछुआ रखी हुई है, तो मैं लास्ट टाइम जब आई थी तभी यहाँ रखी थी. इसी तरह से पड़ा हुआ है ये बिछुआ. और इस तरीके से मैं सामान को अरेंज करती हूँ सारा. और एक्चुअली मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ तो इसी वजह से सामान भी नहीं रहते हैं. मैंने कुछ सामान निकाल के हटा दिया है. कुछ इसमें अभी जो सामान लेके आई हूँ वो मैं रखी हूँ. और मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी शूट कर रही हूँ. मैं सोची कि चलो मैं इस टाइम पर वीडियो अपना बना लेती हूँ ड्रेसिंग टूर की. तो सबसे फर्स्ट में मैं बताऊँ तो रखी हूँ रोज़ वाटर रखी हूँ और परफ्यूम रखी हूँ और बिंदी का गम है. और ऊपर में मम्मी के थोड़े सामान है. और दूसरे बॉक्स में मैं आऊँ नीचे तो मुल्तानी मिट्टी रखी हूँ, उसके ऊपर फोम रखी हूँ. और मुल्तानी मिट्टी के नीचे जो बॉक्स है उसमें मम्मी की बिंदी रखी हुई है. और यहाँ पे कुछ पॉन्ड्स पाउडर और लैक्मे का फाउंडेशन, नेल पेंट रिमूवर, लिवॉन सीरम मेरा रखा हुआ है और रोज़ वाटर. तो इस टाइप से ये सारे बॉक्स को मैं रखी हूँ. और दूसरी साइड में जो मुल्तानी मिट्टी के बगल में रखा हुआ है वो है मम्मी का क्रीम रखा हुआ है, वाइटन क्रीम वो यूज़ करती हैं. और दूसरी साइड की मैं बॉक्स ओपन करूँ तो सबसे फ्रंट में रखी हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा रेड कलर का क्लचर है जो मैं निकाल के ऐसे रखती हूँ, परफ्यूम है मेरा. और मैं सेल्फी स्टिक यहीं पे डालती हूँ. और ये कुछ बिंदी के पत्ते हैं, पहले से कुछ बिंदी रखे हुए थे और उसके बाद में अभी जो लेके आई हूँ इसी में मैं डाल दी हूँ, क्योंकि बार बार मुझे बैग ना खोलना पड़े. और उसके नीचे वाले बॉक्स में मैं आऊँ तो यहाँ पे वॉइट टोन पाउडर रखा हुआ है जो मैं यहीं पाउडर यूज़ करती हूँ, सिंदूर रखी हूँ. और डेली का जो क्रीम है मेरा वो रखी हूँ. और यहाँ पे मैं बीबी क्रीम गार्नियर का रखी हूँ क्योंकि मैं गार्नियर का बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ. और पैरासूट का मैंने ऑयल रखा हुआ है. तो मैं बीबी क्रीम तीन चार तरह का मैंने यूज़ किया था बट मेरे को गार्नियर का ही सूट करता है क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑयली है. और उसके नीचे मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं रखी हूँ कुछ लिपस्टिक के, मैं रखी हूँ चार पांच सेट निकाल दी हूँ, बाकी सब मेरे बैग में ही है. और मेरी जो पानी की बोतल थी जो मैं पर्स में डाल के रखती हूँ, ये मैंने पानी का बोतल भी यहाँ पे रख दिया है. और ये कुछ लिपस्टिक के सेट हैं जिसमें मोस्टली रेड कलर ही है, रेड मैजेंटा यही सब है. और ये मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ इवर यूथ का, और ये मेरे को सूट भी करता है तो ये स्क्रब भी मैंने इसी में डाल दिया है. और परफ्यूम है और यही सारा चार पाँच मैं लिपस्टिक यहाँ पर रख दी हूँ. और इसी टाइप से मैं बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ. और नीचे सबसे नीचे में आऊँ तो तीन बॉक्स बना हुआ है नीचे साइड में. और इसके एक बॉक्स में खोलूँ तो इसमें मैंने एक्चुअली पहले दूसरा सामान था, अभी मैंने इसको सामान वो निकाल के और ये मैं अपने जो बैग्स हैं, मेरे कॉस्मेटिक्स बैग्स, मेकअप किट, ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया. और इसमें मेरे सारे सामान हैं. और मैं दूसरा बॉक्स ओपन करूँ बीच वाला तो इसमें मेरे कुछ चूड़ी वगैरह के डब्बे रखे हुए हैं.
और ये मेरा आई शेडो है जो ऊपर बॉक्स है, और ये जो चूड़ी है ये मेरे शादी के टाइम की है, मेरे लहंगे के सेट, मेरी विदाई वाली साड़ी की जो मैचिंग चूड़ी थी, यहीं सब बॉक्स में रखे हुए हैं। तो कुछ मैंने चूड़ियाँ निकाल दी है, बाकी सब ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये लास्ट लास्ट में मैं आऊँ तो यहाँ भी मेरे सारी चूड़ी रखी हुई है, कांच की चूड़ियाँ मैं रखी हूँ। और ये आगे जो सिंदूर है ये मम्मी का सिंदूर है, मेरी सासू माँ को, तो वो इसमें कुछ सामान रखती हैं क्योंकि मैं यूज़ करती नहीं हूँ, तो मम्मी रहती हैं तो इसमें कुछ सामान रखती हैं। और ये चूड़ी मैं एक्चुअली मैं बाद में आप लोग को भी दिखाऊँगी मेरी विदाई की चूड़ी कैसी थी और मेरे शादी वाले लहंगे की चूड़ी कैसी थी। तो इस टाइप से कुछ मेरा जो ड्रेसिंग है ये मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ किया जल्दी जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे मैं आई हूँ तो फिर सामान भी मेरे को सेट करने पड़ेंगे। और ये देखिए टाइम हो रहे हैं 4:15 और मैं अभी मार्केट निकलने वाली हूँ, तो इसी वजह से मैं सोची कि चलो जल्दी जल्दी एक मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि शादी की शॉपिंग भी करनी है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर लूँ। इस टाइप से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपना ड्रेसिंग। तो आपको कैसा लगा आप लोग? तो आप लोगों को मेरी ड्रेसिंग छूट कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग या फिर वीडियो में। बाय, टेक केयर।